सीताराम गुरु जी। सीताराम प्रणाम स्वामी जी, गुरु जी को भी प्रणाम। नेपाल से आए हुए गुरु जी, मेरे को बताना है कि मेरा छोटा सा अनुभव, जब आप आह्वान के लिए बोले थे तो मैं बैठी थी आह्वान करने के लिए, और थोड़ा सा फनी है क्योंकि काफ़ी देर कोशिश करने के बाद तक भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद देहरादून में सिंदूरिया हनुमान मंदिर है, मैं ऐसा होता है जैसे सूक्ष्म शरीर ऐसे जैसे बाहर निकलता है, मतलब मेरी इमेजिनेशन में मैंने खुद ही इमेजिन कर लिया कि मैं वहां पर गई हूँ और उनको बोल रही हूँ कि मैं वहां पर आपका वेट कर रही हूँ, आप आके ले रहे हो। तो मैं उनको लेकर आई हूँ, फिर इधर मुझे छोटी सी छवि बिल्कुल जैसे मरकरी होती है, जैसे पारा होता है वैसी वाली चमक में वो दिखाई दिए हैं और फिर गायब हो गए हैं, फिर वो मेरे को ढूंढने पर नहीं मिले। तो ये थोड़ा था। फिर जो आखिरी चरण होता है उसमें इस आज तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, लेकिन कल का मेरे को ये था कि जो राम नाम का उच्चारण कर रहे थे उससे एक ऐसी ऊर्जा सी महसूस हुई कि जैसे मैं ऊपर की तरफ उठ रही हूँ, जैसे सब लोग बोल रहे हैं और मैं उसकी वजह से ऊपर की तरफ उठ रही हूँ। तो आज वो कोशिश थी मेरी कि मैं उसको दोबारा एक्सपीरियंस करूँ, पर वो मुझसे नहीं हो पाया शायद क्योंकि आपने कोशिश की है। हाँ, मैं उसके पीछे दौड़ी। कोशिश में होता नहीं है। हाँ जी, अगर आप न्यूट्रल होकर के बैठते बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर अनुभव कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कल कोशिश मत करना, बैठ भर जाना जी। धन्यवाद धन्यवाद।